तो भाई आप सभी के मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि रोमन का अब आगे क्या होने वाला है, आखिर सोलो सिकुआ ने रोमन को धोखा क्यों दिया है, और क्यों रोग रोमन की हार से इतना ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, और क्या जिमी उसो और जेउसो फिर से एक होने वाले हैं। तो भाई इन सभी चीजों का हम एकदम बारीकी से जवाब देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि हम ऐसी वीडियो रोज बनाते रहते हैं। तो भाई आप सभी के मन में सबसे पहले ये सवाल उठ रहा होगा कि अब रोमन क्या करेंगे, क्या आगे वह किसी स्टोरी लाइन में नजर आने वाले हैं, या फिर वह WWE से रिटायर हो चुके हैं, ये सब आप सभी के दिमाग में घूम रहा है। तो भाई रेसलमेनिया के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ट्रिपल एच से एक सवाल पूछा गया कि आप रोमन का आगे क्या करोगे। तो वहाँ पर ट्रिपल एच ने कहा था कि आगे आने वाली स्टोरी लाइन में रोमन जरूर ऐड होने वाले हैं, और आगे की कहानी में रोमन का किरदार देखकर आप सभी दंग रह जाओगे। और भाई रोमन अपने करियर की शुरुआत से ही अपना बेस्ट देते आ रहे हैं, और वह हर बार किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहते हैं। और भाई आपने ये तो देख लिया कि कोडी की जीत से ज्यादा रोमन की हार के चर्चे हो रहे हैं, और भाई अभी रोमन को ना कोडी से दूर रखा जाएगा, और कुछ महीनों बाद में उनका कमबैक कराया जाएगा, WWE तैयारी कर रही इसके बारे में। तो अब देखना ये होगा कि ट्रिपल एच रोमन के कमबैक को लेकर क्या तैयारी करते हैं, और ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिससे हम सभी फैंस का दिमाग घूम जाएगा। अगर भाई आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर भाई मैं रोक की बात करूं तो रोक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की है, और उससे ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस को वो धोखा देने वाले हैं और पॉल हेमन के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। और रेसलमेनिया 40 में रोमन की हार के बाद में बर्डलाइन में बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल चुका है, क्योंकि सोलो सिकुआ ने टामा टोंगा के साथ में मिलकर जिमी उसो को बर्डलाइन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और रोक ने इंस्टाग्राम पर रेसलमेनिया 40 की मतलब फोटो थी एक सीरीज पोस्ट की है जिसमें नाइट वन में उनकी और रोमन की जीत की तस्वीरें शामिल है। और बड़ी बात यह है कि रोक ने रोमन रेंस को फोटो से हटा दिया है, उन्होंने केवल खुद को और पॉल हेमन को हाईलाइट किया है। मतलब कि रोक ने अपने हाल ही इंस्टाग्राम पर जो फोटो शेयर की है उनमें रोमन रेंस को शामिल तो किया है, लेकिन उनकी किसी भी तस्वीर में पॉल हेमन शामिल नहीं है। और यहाँ से आप ब्लड लाइन की फ्यूचर को लेकर बड़े संकेत मिल रहे हैं। अब समय बताएगा कि रोमन रेंस और रोक की वापसी कब होगी, और उसके बाद का प्लान क्या होने वाला है, और ब्लड लाइन फैक्शन में अब कुछ भी देखने को मिल सकता है, और फ्यूचर में रोमन रेंस को द रोक द्वारा धोखा भी मिल सकता है। और एक बात तो तय है भाई कि आगे जाकर रोमन रेंस और रोक के बीच में मैच हमें देखने को मिलने वाला है, और हो सकता है कि ये मैच रेसलमेनिया 41 में हो जाए। वैसे प्लान के मुताबिक WWE रेसलमेनिया 40 में इन दोनों के बीच में मैच करवाने वाली थी, लेकिन फैंस के नेगेटिव रिएक्शन के कारण चीजों को बदलना पड़ा। इसके बाद रेसलमेनिया में रोमन ने अपने टाइटल को कोडी रोड्स के खिलाफ डिफेंड किया, और रोमन रेंस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है, और कोडी रोड्स नए चैंपियन बन जाते हैं। और फिर इसके बाद में रोक ने कहा था कि वो कुछ समय के लिए ब्रेक पर जाएंगे, और उन्होंने ये भी जरूर कहा कि वो जल्द वापसी कर कोडी रोड्स के खिलाफ जाएंगे। तो भाई इन दोनों के बीच में भी कंपनी जरूर प्लान बनाने वाली है। अब देखना होगा कि रोक कब दोबारा वापसी कर फैंस को सरप्राइज देते हैं। तो भाई आपको क्या लगता है कि द रोक वापसी कर रोमन रेंस से पंगा लेंगे या फिर कोडी रोड से, आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। और भाई हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्या जेउसो और जिमी उसो फिर से एक होने वाले हैं। और भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना भाई तो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर हिला देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।